नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। दिल्ली वासी इस वक्त पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं, खबर आप तक पहुंच ही गई होगी। और इसके बावजूद दिल्ली सरकार कुछ काम तो करने से गई, अनशन पर बैठ गई। जैसे कि उनकी पुरानी आदत है, हर चीज को लेकर अनशन पर बैठ जाना या फिर बीजेपी पर इसका ठीकरा फोड़ देना। ऐसा ही हो रहा है। आतिशी धड़ल्ले से कह रही हैं कि बीजेपी की साजिश है, हरियाणा सरकार को वो इसमें घेर रही हैं। और इसके बाद संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज और सुनीता केजरीवाल को लेकर आतिशी अनशन पर बैठ गई। वो अलग बात है कि उन्होंने शुरू तो किया था ये अनिश्चितकालीन अनशन, लेकिन उसके कुछ घंटे बाद खाली मंच की फोटो और वीडियो वायरल हुई, जिसको लेकर आतिशी काफी ज्यादा ट्रोल भी हुई। सोशल मीडिया पर कहा गया कि ये तो फ्रॉड चल रहा है। कपिल मिश्रा ने इस मुद्दे को बहुत ज्यादा प्रमुखता से उठाया, लोगों ने आतिशी को ट्रोल किया। लेकिन इन सब के बीच अब एक बड़ी खबर आई है इस अनशन से जुड़ी हुई। दरअसल जहां पर आतिशी अनशन कर रही थी, वहां पर अचानक से कुछ प्रदर्शनकारी पहुंच गए, अफरा तफरी का माहौल हो गया, केजरीवाल के खिलाफ नारेबाजी हुई, जिसको लेकर केजरीवाल के मंत्री और नेता तो यही कह रहे हैं कि ये बीजेपी की साजिश है। दूसरी तरफ उन प्रदर्शनकारियों का कहना है कि हम तो परेशान हैं पानी की किल्लत से, और इसीलिए हम यहां पर प्रदर्शन कर रही हैं, क्योंकि दिल्ली सरकार काम करने के बजाय अनशन पर बैठ गए हैं, अनशन पर बैठ गए हैं, भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। इससे हमारा समाधान नहीं निकलने वाला। अफरा तफरी का माहौल कुछ देर तक इस मंच के आसपास बना रहा, लेकिन जैसे तैसे फिर स्थिति को कंट्रोल कर लिया गया। आपको बता दें, लोगों में इस बात को लेकर गुस्सा है कि केजरीवाल जिस मुद्दे पर दिल्ली में आए थे, सत्ता में काबिज हुए थे, उन मुद्दों को वो बखूबी पूरा नहीं कर पा रहे हैं। बहरहाल इन सबके बीच वो तस्वीरें देख लीजिए जिसमें मंच पूरी तरीके से खाली दिख रहा है। तो देखा आपने कैसे मंच खाली है, आतिशी गायब है, और इसी को मुद्दा बना रहे हैं बीजेपी नेता कपिल मिश्रा। बहरहाल इन सबके बीच आतिशी ने दूसरे दिन के अनशन के दौरान मीडिया को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा था, उनके बयान के साथ आपको छोड़े जा रही हैं। फिलहाल आप इस खबर को लेकर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। आज मेरे अनशन का दूसरा दिन है। जैसा कि आप जानते हैं, दिल्ली में बहुत पानी की कमी है। इतनी भीषण गर्मी में जब दिल्ली वालों को ज्यादा पानी चाहिए था, यहाँ पे पानी की कमी हो गई है। दिल्ली के पास अपना पानी नहीं है। दिल्ली में जो सारा पानी आता है वो पड़ोसी राज्यों से आता है। दिल्ली में कुल 1005 MGD पानी आता है जो दिल्ली के घरों में जाता है। इसमें से 613 MGD पानी हरियाणा से आता है, लेकिन पिछले कई हफ्तों से लगातार हरियाणा सिर्फ 513 MGD पानी भेज रहा है। यानी 100 MGD पानी, 100 मिलियन गैलन प्रति दिन पानी कम भेज रहा है। 1 MGD यानी 1 मिलियन गैलन पानी 28,500 लोगों को पानी देता है। यानी अगर हरियाणा 100 मिलियन गैलन पानी कम दे रहा है, तो 28 लाख से ज़्यादा दिल्ली वालों को पानी नहीं मिलेगा। 28 लाख दिल्ली वाले बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। मैंने हर संभव रास्ता अपना के देख लिया, लेकिन जब किसी भी रास्ते से हरियाणा सरकार पानी देने को तैयार नहीं हुई, तो मेरे पास अनशन पे बैठने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। दिल्ली वाले इतने कष्ट में हैं, इतने परेशान हैं, एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। इसलिए मैं कल से अनशन पर बैठी हूँ। मैंने आज सुबह फिर से दिल्ली जल बोर्ड से सारे आंकड़े मंगवाए, लेकिन आज भी पानी की कमी बनी हुई है। कल पूरे दिन भर में 110 MGD पानी हरियाणा से कम आया है। इसका मतलब आज 28 लाख से भी ज़्यादा लोगों को पानी नहीं मिल पाएगा। मैं इस अनशन पर तब तक बैठी रहूँगी जब तक हरियाणा सरकार दिल्ली के लोगों को पानी नहीं देती है। मैं तब तक खाना नहीं खाऊंगी जब तक दिल्ली के इन 28 लाख लोगों को पानी नहीं मिल जाता। जब तक दिल्ली के 28 लाख लोगों को हरियाणा से पानी नहीं मिलता, तब तक ये अनशन जारी रहेगा।